कैसे हैं दोस्तों, ट्रैवलिंग बोटल यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ट्रैवलिंग बोटल यूट्यूब चैनल किस लिए फेमस है या किस लिए, किस मंशा से वो काम करता है? वो इस मंशा से काम करता है कि जैसे कई लोग किसी और क्षेत्र से किसी और क्षेत्र में, किसी और प्रदेश से किसी और प्रदेश में, किसी और प्रदेश से किसी और देश तक में जाके अकेले हो जाते हैं, और अगर वो खाने पीने का शौक़ रखते हैं तो मैं उनके लिए एक वर्चुअल साथी टाइप बन जाता हूँ यार, ठीक है। मेरा उद्देश्य ये है, और उम्र का जो सरकार की आपके आपके देशों की प्रदेशों की सरकार के हिसाब से अक्सर आपका सेवन करते हैं, और हम भी वही आपको रिकमेंड करते हैं। और प्रोफेशनलिज्म मेरे में है नहीं, बट कभी कभी मन करता है थोड़ा प्रोफेशनल बात करूं, साउंड करूं, इसलिए आपको कहता हूं कि शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, इट्स राइट। तो अपना सेहत का ख्याल भी रखें, और अगर आपको एंजॉय करना है तो करते रहें। डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, और लीगल एज और माँ बाप या चाचा ताऊ की देखभाल में भी अगर आपको पीनी है तो। आज हमारे पास जो ब्रांड है उसे कहते हैं इम्पीरियल ब्लू, शॉर्ट में आईबी। सी ग्राम्स का ये ब्रांड है, शायद सी ग्राम्स का ही ब्लेंड स्प्राइट होता है। बोतल पे लिखा है अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ इंडियन ग्रेन स्पिरिट्स एंड इंपोर्टेंट स्कॉच माल्ट फॉर एक्विसिट स्मूथनेस। 42.8 नेट इसका हर जो सारी स्टैंडर्ड ड्रिंक्स में होता है, और SAS नगर मोहाली पंजाब से ही हमारे पास ये पहुंची है। रेट 100 है, मिला 110 का है। जो इसकी पैकेजिंग है वो 24/1/2020 की है, यानी 24 जनवरी पुराना रेट इस पे दर्ज है। मैंने इसके साथ मैकडोवल्स का प्लैटिनम 15 रुपये वाला सोडा यूज़ करना है, क्योंकि मेरे को लगता है इम्पीरियल ब्लू का स्वाद मेरे लिए अच्छा नहीं है। मुझे ये नहीं पता आपको अच्छा लगता है नहीं, बट आई रिकमेंड सोडा विद दिस। बाकी इट डिपेंड्स ऑन योर टंग हाउ यू रिएक्ट आफ्टर ड्रिंकिंग दिस। इम्पीरियल ब्लू ने लाखों महफिलें लगाई हैं, यारों की और नारों की, लाखों कॉकटेल शादियों में ये छाती हुई आई है। बहुत पुराना ब्रांड है, देखो पहले यही सब ब्रांड होते थे, वाइट एंड ब्लू, रॉयल स्टैग, इम्पीरियल ब्लू, और बियर में हेवर्ड्स, किंगफिशर, ब्ला ब्ला, 8 PM विस्की में। अब इनकी जगह ले लिया ऑल सीजन्स या विस्किन या दो चार जो हम पीते हैं या चार्ली, पहले यही ब्रांड होते थे दोस्तों। तो इन्होंने बहुत खुशहाली बांटी है सी ग्राम्स ने। तो सोडा के साथ इम्पीरियल ब्लू मुझे कैसी लगती है मैं आपको बताऊंगा, अंत में बताऊंगा कि इसको ख़त्म करने के बाद कि 5 में से मैं इसे कितने अंक देता हूँ और किस चीज़ के लिए ज़्यादा रिकमेंडेड है। फॉर गेट टुगेदर, फॉर फ्रेंड्स, फॉर ड्रिंकिंग अलोन, फॉर कॉकटेल, जो भी बजट का होगा। ऑफकोर्स एक बजट ड्रिंक है, चीप या बजट जो भी आप कहना चाहें, रेगुलर ड्रिंकर्स के लिए अच्छी है क्योंकि रेट में आती है। अब बात करते हैं इसके स्वाद की, स्मेल की एंड आफ्टर इफेक्ट की। चलिए चीयर्स, पहला पैक पीते हैं जय भैरव की। दोस्तों कहते हैं सोडा आपको फुला देता है, तो सोडे का इस्तेमाल मैं रोज़ नहीं करता, बट कभी कभी जो मुझे लगता है कि मैं इस ड्रिंक को पसंद नहीं करता इतना, तो मैं उसके साथ पी लेता हूँ। तो उसके साथ क्या है, सोडा क्रिस्पी कर देता है और इसका असली स्वाद भूल जाते हैं हम। बट इसका असली स्वाद सोडे के साथ पने लगेगा, बट सोडे के साथ तो हर ड्रिंक आपको ज़्यादा अच्छी ही लगती है। सोडा भी यार ठंडा है, और दिल्ली में सर्दी बहुत है दोस्तों, मैंने अभी भी टोपी पहनी हुई है। चलिए अब चखने की बात कर लेते हैं, और आप अगर मेरी तरह छत पे पीने के शौकीन है तो आपको पता ही है छत पे पीना एडवेंचर से कम नहीं है। पहले घर वालों से चोरी चोरी ऊपर लाओ, और ये प्लेट्स मुझे बहुत बेकार लगती है, इनका रंग छूटता है, पर क्या करें भाई, अब कड़की में छत पे कोई डाइनिंग टेबल तो रखूँगा नहीं मैं। तो कई लोगों को अगर मेरे सेटअप से प्रॉब्लम है तो मैं उन्हें बता दूँ, देखना कितनी मूली प्याज दी है उसने मुझे। अरे भाई इतनी तो जानवर हूँ क्या मैं, क्या शक्ल से लग रहा था।
मुझे इसकी प्लेट नहीं पसंद, तो मैं क्या करूँ, इसको उल्टी कर लेता हूँ क्योंकि उल्टी में प्रिंटिंग नहीं है। लेट्स सी उल्टी होती है नहीं। देसी हैक बाय ट्रैवलिंग बॉटल टेक्निकल शराबी, आप जो मर्जी कहे कुछ तो कर ही लेंगे। जी हाँ, हरी चटनी को खोलते वक्त हमेशा सतर्क रहें, कहीं कहीं इसमें ऐसे पीस आते हैं जो भांडा फोड़ कर देते हैं कपड़ों का। जो आई भी है, सॉरी भांडा फोड़ हो गया, जो आई भी है दोस्तों, ये पंजाब में बहुत चली है। तो पंजाबी वीर जिन्ने भी ने, मैंनू दसो कि मैं सच बोल रहा कि मैं झूठ बोल रहा। पंजाब दी शान सी कदों, ये आज भी पीते ही होंगे लोग मुझे लगता है, ये क्योंकि पुराने बंदे ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस नहीं होते, कहते भाई आने रे जो आ रहा है। साथ में जो हमारे हैं उसे हम कहते हैं तंदूरी चिकन। तो इट्स अ ट्रीट टुडे फॉर नॉनवेज लवर्स एंड अल्कोहल लवर्स। बहरहाल दोस्तों, मैं आपसे कुछ छुपाता नहीं, तो आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने ये रेलवेज़ के पेपर चल रहे हैं उसका फॉर्म भरा हुआ है। तो क्या है, मैं तैयारी तो करता हूँ, मैं जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स में ठीक ठाक हूँ, ठीक है, ये सब हर बंदा कर लेता है, बट मेरी मैथ अच्छी नहीं है यार। बेसिक मैथ भी मेरे को तंग करती है, मुझे पसंद नहीं है मैथ, मुझे समझ नहीं आता। एक्स की पावर इधर जाके उधर बदल क्यों जाएगी बहन चोर, सीधी सीधी बात करो ना, ये घूमी हुई बातें अलजबरा मुझे पसंद नहीं है। आप मानोगे, मैंने जो अपनी दसवीं है वो ओपन से करी थी, शायद उसमें मैथ्स तो थी, ना जाने मैं कैसे पास हुआ था। और जब आप ओपन से करते हैं ना, तो शायद दसवीं बारहवीं में ही आपके पास इकोनॉमिक्स आ जाती है दसवीं में, तो मुझे इकोनॉमिक्स बहुत पसंद थी, खासकर थ्योरी वाली। आई डोंट लाइक फॉर्मूला एंड ऑल, उनको याद करना सरदर्दी है। तो मैथ के साथ तो ऐसा होता था, मैथ की किताब के पीछे सॉल्यूशन होते थे, आंसर होते थे, तो आंसर होता था 26। तो हम जैसे महान स्टूडेंट क्या करते थे, कुछ भी करके एक्स को वाई को इधर उधर करके 12+36 मान लो आंसर है, 12+24 कर दिया, नीचे लिख दिया 36 हैंड्स प्रूव्ड। टीचर हमसे बड़ी चालबाज, मतलब ये हाल था हमारा मैथ्स में। अगर आपको ये वाटर की आवाज आ रही है तो पुले खाना खाना, मैं किसी वाटरफॉल के पास नहीं बैठा, किसी की टंकी ओवरफ्लो हो रही है, तो लोग ऐसे पानी का दुरुपयोग करते हैं जी। रही बात चिकन की, चिकन की क्वालिटी बहुत अच्छी है, थोड़ा ज़्यादा पका देता तो मज़ा आया था, मुझे राड़ के थोड़ा जला जला चिकन होता ना, आई लाइक दैट। तो 90 में ये शायद थाई वाला और लेग पीस देता है, विच इज़ ओके। ऑफकोर्स 100 रुपये में तो आधा किलो आ जाता है, पर वो बनाना, मैरिनेशन करना, तंदूर छाड़ना, फिर दारू भी पीना, इस चक्कर में बाहर से लेना पड़ता है भाई हमें। बाकी टेंशन मत लो, आने वाले टाइम में यहाँ पे टेरेस में मेरे बहुत प्लान है, मेरी इस रूफ को लेके, मुझे अपनी छत बहुत प्यारी है, क्योंकि हमारी तो अमूमन ज़्यादा छत पर ही आपसे जुड़ी हैं। YouTube का आइडिया भी छत पे ही आया था और छत से ही शुरुआत हुई। शुरू में मैं गाने गाता था, वो भी छत पे ही गाने आता था छुपके टंकी के पास, तो ऐसे ही होता है शौक। हालांकि मैं जो कर रहा हूँ ये कोई महान काम नहीं है, और तभी मैं कहता हूँ इसको रिकमेंड मत करना किसी को, ना मेरी वीडियो शेयर करना, बस अपने जैसे किसी भाई वीर को
चाचा ताऊ को जिसके साथ भी आप ड्रिंक करते हो उसको बता देना यार यूट्यूब पे एक ऐसा बंदा है ऐसी ऐसी बातें करता है, कोई खास बंदा नहीं है, छोटा सा चैनल है उसका, पर कभी कभी ज्ञान बांट देता है भाई, कभी कभी कहीं को नाराज़ कर देता है पॉलिटिक्स की बातें से। तो अब मैं इसको रॉ सिप टेस्ट करूँगा इसका, उससे पहले स्मेल तो ऐसी है जैसे बीपी में होती है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि 3 ग्राम्स है। थोड़ी सी खटास देती है लास्ट में, अगर नॉर्मल वाटर मेरे पास आज होता तो दोनों का टेस्ट कर लेता मैं, बट आई डोंट थिंक मेरे पास वाटर आज, हाँ वाटर नहीं आज, क्या करें दोस्तों छत पे सब कुछ ला नहीं सकते, कितना छुपाएंगे, छुपाना पड़ता, आग की शर्म बहुत ज़रूरी है, पता तो होता है घर वालों को कि कौन क्या करता है, बट फिर भी बाकी दोस्तों हम बिंदास कभी एस्कोबार के फैन बन जाते हैं, गॉडफादर तो हमारी फेवरेट पिक्चर है ही, हिंदी में बात करें तो हिंदी में भी हमें बहुत पसंद है, ऐसी कोई बात नहीं, कहीं आप लोग सारा बाहर की पिक्चरों का नाम लेता रहता है। बाकी भाई कल सिडनी ब्रिस्बेन टेस्ट का आखिरी दिन है, सिडनी टेस्ट ड्रॉ हुआ था, क्रिकेट की बात यही है कि भाई सिराज ने पंजा खोल दिया आज, शार्दुल ठाकुर ने बढ़िया बॉल डाली, इतने बढ़िया ये लौंडे निकलेंगे सोचा नहीं था। बाकी भाई इतनी सारी हमारे प्लेयर इंजर्ड हो गए, कल अगर ड्रॉ भी हो गया तो ट्रॉफी तो हमारे पास ही रहेगी क्योंकि हमने पिछली बार जीती थी, और कल हम जीत गए तो उसे चमत्कार कहेंगे, और बाय चांस ऑस्ट्रेलिया जीत गई तो फिर क्या ही कह सकते हैं, क्योंकि पिच ख़राब है, कल पिच इतनी फ्लैट नहीं है, कल बॉल सीम होएगी, क्रैक आ चुके हैं पिच में, तो जो लोग क्रिकेट देखते हैं वो उनको समझ आ रही होगी मेरी बात, बाकी कहेंगे भाई दारू पी क्या बकचोदी मार रहा है। आईबी की खास बात क्या है, हिट करती है, आपको एक सलाह देता हूँ कि इसके साथ कोई ब्रांड मिलाना मत, और मैंने इसका मिनिएचर कभी देखा नहीं, आता ज़रूर होगा हमारे यहाँ नहीं मिलता, और मैं इसको अमूमन लेने भी नहीं जाता, मैं मेनली मेरा चार्ली ऑल सीजन एसईओ पे फोकस रहता है, बट सोडे के साथ सही बैटरी है भाई, और सोडे के साथ मुझे लगता है चढ़ती भी ज़्यादा, तो आप ट्राई करना और मुझे बताना। अभी तक मैं इसको नॉट रिकमेंडेड तो नहीं कहूँगा, सोडे के साथ तो ये रिकमेंडेड है, तो ये हैक्स है, कभी आपको अपनी पसंदीदा दारू ना मिले तो सोडा खरीदें, सोडा सिर्फ उसका स्वाद ही नहीं बदलेगा, आपको क्रिस्पी बना देगा वो दारू को। हाँ कोल्ड ड्रिंक से ज़्यादा सोडा ही पसंद है, कोल्ड ड्रिंक तो जमा ही नहीं पसंद मेरे को दारू के साथ, वो उसमें एक भार बढ़ा देती है उसका, दो केमिकल मिला देती है, सोडा फिर भी प्लेन होता है प्लेन सोडा। और ये है प्लैटिनम, निकालता है क्लब सोडा, वो इससे भी ज़बरदस्त होता है, उसकी भी महफिल करेंगे और आने वाली गर्मियों में सारी बियर निपटाएंगे, उसके बाद स्कॉचिस पे आ जाएंगे, ब्रांडी भी आ सकते हैं इस सीज़न में भी, हम ब्रांडी ले आ सकते हैं हम, और रम वगैरह तो काफ़ी हो गई है शायद, बाकी आप कमेंट करना आप कौन सी पीते हो और किसकी महफिल चाहते हो, उसको पीते पीते आपसे दो दिल की बातें कर लेंगे, आज का फसाना भी तो कल का हो जाएगा, जाम लगाते हुए कर लेंगे दो बातें तुमसे, बोझ ये दिल का मेरे हल्का हो जाएगा, कुछ झूठ तो नहीं बोला जी, कुफर तो नहीं तोल लिया जी, तो मेरे वीरो जिथों भी मैनू सुन दे हो, पंजाब तो दिल्ली तो, चंगी चीज़ का सपोर्ट करो ते वधिया रहो बस, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। अब लोगों पे उन्होंने जांच बिठा दी है सरकार ने, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड, एंड हाँ मैं यहाँ पे आपको ऐसी बातें नहीं करना चाहता, क्योंकि हम वो जहान बुलाने आए हैं तभी तो आज लगाने आए हैं, बट क्या करें यार, किसानों का दर्द और दिल्ली की सर्दी और किसानों का दर्द देखा नहीं जाता,
तो आप देख रहे होंगे हर पैक के साथ मेरा पैक छोटा होता जा रहा है, इट्स बिकॉज ऑफ सोडा। एंड आई भी पीते पीते मुझे पता है आप झूम जाते होंगे। बाकी भाई कभी भी कैपेसिटी के पीछे मत लड़ो कि वो बोतल पीता तो मैं भी बोतल पीऊँगा। भाई किसको दिखाना है, एन्जॉयमेंट के लिए पियो, इट्स अ थिंग ऑफ एन्जॉयमेंट, नथिंग एल्स। इसको सर पे हावी मत होने दो, पीने की आदत लग भी गई है तो लिमिट में पियो, हेल्दी रहो, सो जाओ। बाकी कल किसने नहीं देखा, कल क्या होना है किसको क्या पता, बट फिर भी हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, जब खुदा ने हमें इतना अच्छा शरीर दिया है, खुदा ने हमें इतना टाइम लगाया हमारे ऊपर, तो उसकी रखवाली भी हमारे हाथ में ही है। ठीक है, खुदा ने हमें मना नहीं किया, फ्री विल दी हुई है, भगवान ने हमें फ्री विल दी हुई है। चलो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आज ज्ञान बांट रहा हूँ थोड़ा है। ज़िंदगी क्या है लोग पूछते हैं, तो मैं उनको बता दूँ, ज़िंदगी एक फ्री विल कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे कि एक फ्लाइट है जो एक जगह से बन के चल रही है और एक जगह उतरेगी, बन के चल रही है वो आपका जन्म था, जहाँ उतरेगी वो आपकी मृत्यु है। इसके बीच में जो आप कर रहे हैं वो आपकी मर्जी है, ये तो अपने मंजिल पे जा रही है। एक उम्र तो बीत ही रही है 0 से 80, 90, 100, उसके बीच जो आप कर रहे हैं वो आपकी खुद की सूझबूझ, खुद की अंतर इच्छा है। अब आपको अपनी अंतर इच्छा से किसी का कत्ल करना अच्छा लगता है, किसी का घर बनवाना अच्छा लगता है, किसी के रिश्ते तोड़वाने अच्छे लगते हैं, किसी की दोस्ती करवानी अच्छी लगती है, ये आप पर है। कोई अगर आपको पैसे के लिए तंग करता है, आपके पैसे मार लेता है, नुकसान हो जाता है, मैं समझ सकता हूँ लोगों के साथ क्या क्या बीतती है, सबके पास इतना खुला पैसा भी नहीं होता दोस्तों कि वो गुजारा कर ले, या सबके साथ सबके सर पे बैकग्राउंड ऐसा नहीं होता कि इकोनॉमिकली वो सफिशियंट हो, तो सबका दर्द अलग है इस दुनिया में, क्या बताएं। ज़मीन भी एक फलक है इस दुनिया में, क्या बताएं। उस फलक पे भी कई गरीब सोते हैं, उस फलक पे भी कई गरीब सोते हैं, पर मैं जानता हूँ, मेरा दिल जानता है वो कितने अमीर होते हैं। मुझे नहीं पता ये दुनिया किसने बनाई, पर जिसने भी बनाई बड़ी खूब बनाई है भाई। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे जो जिनके पास कुछ नहीं है, बट वो दिल के इतने रिच है कि बस रिच है वो। ऐसे ऐसे हमने इंसान ऐसे ऐसे इंसान हमें खुदा दिखाए। दिल्ली की सर्दी कुछ अजीब हो चुकी है, मतलब खाना तो आप लगा लो एक मिनट में ठंडा हो, एक मिनट तो ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, पैक खाना भी ठंडा हो रहा है यार, पहले इतना ठंडा नहीं होता था। या शायद इसने कच्चा उतार दिया थोड़ा, तो अंदर तक अग्नि गई नहीं चिकन के। भाई इन आवाजों के लिए सॉरी, मैं मेरा कंट्रोल नहीं है इन पे, मेरे मुंह की आवाज है। अब खा रहा हूं, आपको पता है जब बंदा पीने के बाद खाता है तो ऐसे ही खाता है। एक तो तुम्हें पता ही है, जो मेरे पुराने दोस्त हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको मेरी कॉलेज लाइफ का इसका उसका बहुत पता है। आजकल तो मैं बहुत कम जिक्र करता हूँ ऐसी बातों का, क्या रखा है ऐसी बातों में, वो धुंधली धुंधली रातों में।
आई भी पी के ये बात साफ हो गई कि आई भी हिट मारती है, शायद तीसरी बार पी रहा हूँ उसको, ज़्यादा नहीं पी ना पीनी क्योंकि सही बताओ पसंद नहीं है, तभी सोडा चल रहा है आज। पर हो सकता है आपका फेवरेट ब्रांड हो तो लाइक मारना मत भूलना, बाकी भाई पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, तो विस्की का दारू का ही नशा करते हैं और कोई नशा नहीं करते दोस्त, बाकी तो इंपीरियल ब्लू के दो पहलू हैं। अगर आपके घर में कॉकटेल है तो इंपीरियल ब्लू कभी ना मंगाएं, अगर आपका बजट आज लो है तो इंपीरियल ब्लू ले ले, स्वाद का अगर चक्कर है तो सोडा ले ले जैसे मैंने आज किया, नहीं तो अपनी पसंद से मैं इंपीरियल ब्लू नहीं पीता, मेरी लिस्ट में इंपीरियल ब्लू नहीं है, चाहे ये सी ग्राम्स का ब्रांड हो या किसी का ब्रांड हो। कॉकटेल के लिए रिजेक्ट कर दी, और यारी दोस्ती में या किसी को चेपनी हो तो आप उसको दे सकते हैं, बाकी इंपीरियल ब्लू में ऐसा कुछ खास नहीं है। एक चीज़ बहुत ही खास है जिस एक चीज़ के पीछे बहुत लोग पागल हैं, उसका नाम है नशा असर। नशा असर बनता है नश्वर, नशा बहुत है इसमें, असर बहुत है, हमेशा हिट करती है, तीसरी बार चौथी बार जितनी बार भी पी रहा हूँ हिट कर रही है भाई, अभी तो क्वार्टर ही है, क्वार्टर भी हिट कर रहा है, 180 ml भी जलवा दिखाता है इसका, तो जलवा दिखाता है इस मामले में। ये T20 स्पेशलिस्ट IPL महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स वाले यही पीते हैं मुझे लगता है, तभी वो भी असर दिखाते हैं और इतने सारे ट्रॉफी जीतते हैं, बट मुझे पता लगा रहा है मुंबई इंडियंस क्या पीती है, ठीक है। तो चेन्नई सुपर किंग्स और इंपीरियल ब्लू का क्या कोई कनेक्शन है, इल्यूमिनाटी नहीं, सी ग्राम्स वैसे IPL से जुड़ा जरूर होगा, हम उसकी भी एक वीडियो बनाएंगे, हो सकता है इस वीडियो को भी हमने लाइवली बनाया हो, मुझे कुछ नहीं पता, देखो ठीक है मेरे ऊपर है, या तो मैं सीधा अपलोड कर देता हूँ या मैं एडिट कर देता हूँ, आजकल एक दो एडिट कर देता हूँ, वो ड्यूल कैमरा वाली डाली जैक एंड जिल की वीडियो, वो भी ज़रूर देखें, पर अभी तक यहाँ पे आ चुके हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, दिल करे तो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। यूट्यूब की नोटिफिकेशन किसी को नहीं दिखती, बाकी आप TV में देखते हैं फैमिली में तो सब्सक्राइब मत करना, फिर मेरी नोटिफिकेशन आएगी दारू की, अगर ओपन माइंडेड या सही आपकी फैमिली का हिसाब अपना हिसाब सही है, जो मतलब बड़ों को जो सही लगे वो करना है यार, हम क्योंकि हम भी फैमिली वाले हैं, हम कोई पहनचो TV पे थोड़ी ना, अकेले होते हैं तभी देखते हैं, ठीक है ना जी, वो ठीक है, हम आपकी बात से सहमत है। बाकी भाई किस दिन अपना रेस्टोरेंट एंड बार खोलना है यार, छोटी सी आपसे दरख्वास्त है बस कि दुआ करो, पैसे भी नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए पर दुआ जरूरी है। इम्पीरियल ब्लू ख़त्म होने वाली है और ये महफिल भी, जल्दी से निपटाता हूँ और उसके बाद मैं तो चला अपना सोने भाई साहब, आप भी ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें, मैं भी अपने कमरे में घुस के सो जाऊँगा और कुछ नहीं करूँगा भाई, हो सकता है लैपटॉप पे कुछ काम कर लूँ या TV देख लूँ, TV में भी कुछ नहीं आना, रात को मैच भी नहीं आते तो कुछ नहीं बचता, मेरे घर में केबल नहीं है भाई, मैं फायर स्टिक्स लगाई हुई है मैंने, उससे ही देखता हूँ जो देखता हूँ, इतना गरीब बंदा हूँ। अब आप सोच लो जो बंदे मेरे को, मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे जानते हैं, जानने वाले कभी गलत कमेंट नहीं करते जिनको ज्ञान होता है, क्योंकि हमने किसी को गालियाँ हम देते हैं, ऐसी बात नहीं है गालियाँ नहीं देते हैं, दूध के धुले नहीं है, पर हम किसी को गाली नहीं देते कि तू ऐसा है तू वैसा है। आजकल एक दो बंदे आए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर लौड़े, उनको मैंने रिपोर्ट स्पैम कर दिया है वैसे, पर क्या यार कितनी छोटी बुद्धि लेके आए हो, इतने मतलब महान सोच तुम्हें दे रहा हूँ मैं, ले लो उसको, छोटी सोच वालों को बोल रहा हूँ, कम ऑन मैन, यू आर नॉट इटर्नल। आने वाले टाइम में आपको एक अच्छे अच्छे गाने सुनाऊंगा मैं, पोएट्री सुना सकता हूँ मैं, ट्रैवलिंग कर सकता हूँ मैं, तो आपको मैं बहुत अच्छा पैकेज देता हूँ जी,
अगर मेरे को नेगोशिएशन करना है कि मुझे सब्सक्राइब क्यों करो, तो मैं ये कहता हूँ कि मेरे एक चैनल से दूसरा चैनल भी जुड़ा हुआ है अनमोल नाम का, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको भी सब्सक्राइब कर ले। मनाली गया था मैं फिलहाल, मनाली के ब्लॉग ऐसे किसी ने नहीं डाले होंगे। देखो मैं भी बहुत ब्लॉग देखता हूँ यूट्यूब पर, आप देखना ज़रूर। और अब बात करते हैं इम्पीरियल ब्लू की, तो इम्पीरियल ब्लू को हम 5 में से देंगे सोडा के साथ 3 अंक, और विदाउट सोडा देंगे सिर्फ 2 अंक, क्योंकि इम्पीरियल सोडा मेरी पर्सनल फेवरेट नहीं है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि आप इससे बढ़िया एरिस्टोकैट प्रीमियम भी पी लोगे तो आपको मज़ा आएगा, बट ये विस्की खतरनाक है, ये एक केमिकल की तरह आपको मना असर करती है आपके शरीर दिमाग बुद्धि पे। तो इम्पीरियल ब्लू भाई देखने में स्टिकर वगैरह बहुत अच्छा लगता है, पर मुझे लगता है जो सीग्राम वाले निकालते हैं ना अपना कट, वो इसमें डाल देते हैं नेगेटिव वाला, तो मैं तो रिकमेंड नहीं करता। ये हिट भी बहुत तेज करती है, तो सोच समझ के पीना, किसी लड़की को मत पिलाना, और बोतल तो पीना ही मत इसकी भाई, ना हाफ पीना, क्वार्टर पी के देख लेना, पता लग जाएगा आपको, उसके बाद भी होड़क लगे भगवान आपका मालिक है, मैं आपको रिकमेंड नहीं करता मेरे भाई। अच्छा अंत में ये कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दिल करे तो, दिल ना करे तो मत करे, और अगली बार मिलता हूँ किसी और महफिल में। पर एक बात मेरी ये है कि ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, मैं सबके कमेंट पढ़ूँगा, यूट्यूब स्टूडियो मैंने डालूँगा अपने फ़ोन में, यूट्यूब स्टूडियो में सबके कमेंट आते हैं, और मैं चाहता हूँ आप भी क्रिएटर बने, आप भी यूट्यूबर बने, मैं क्या हूँ मुझे क्यों देखते हो, अपना भी बनाओ कुछ, मुझे भी देखो, मैं ये नहीं कह रहा, और एंजॉय करो लाइफ यार, ठीक है। इम्पीरियल ब्लू का रिव्यू सच्चा लगा झूठा लगा कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, कहीं मैं गलत हूँ मुझे करेक्ट करना, कहीं मैं सही हूँ मेरे को अप्रिशिएट करना मेरी जान। ट्रैवलिंग ब्लॉग आने वाले हैं पक्की बात है, देखते हैं हम अगली बार किस जगह जाते हैं। अगर आप इस वीडियो के अंत तक पहुँच चुके हैं तो ऐसा दीवाना हुआ है दिल आपके प्यार में, आपके प्यार में, दिस इज़ ट्रैवलिंग बोतल।